वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह कुकिंग होने लगी है, इस वक्त टाइम हो रहा है 6:55। मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और शदाद गए हुए हैं जिम। कल इंशाल्लाह हामी का फर्स्ट पेपर है, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करे कि सबके बच्चों के और मेरे बच्चों के अच्छे अच्छे एग्जाम हो जाए, अच्छे मार्क्स आए, आमीन। तो कल उसका कंप्यूटर का है, तो मैं खाना बना के अभी फ्री हो जाऊंगी, फिर उसके बाद अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूंगी, ताकि हामी जिस वक्त आए ना, तो उस वक्त मैं बिल्कुल अपने कामों से ना फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं टोटल अटेंशन उसको दे सकूं। तो माशाल्लाह से उसने काफी अच्छी तैयारी की है, सो होपफुली एग्जाम के दिनों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट रिविजन है, कुछ भी नया करने को नहीं होगा। तो बस अल्लाह ताला से दुआएं कि अच्छे से हो जाए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी बहुत मजे की रेसिपी, वेजिटेरियन रेसिपी है और घर में गोभी तो आराम से मिल जाती है हर एक को, तो उससे रिलेटेड रेसिपी आपको क्या मजा आ जाएगा। रेसिपी चूँकि आपसे शेयर भी करनी होती है, सो जो क्वांटिटीज हैं वो एग्जैक्ट मुझे लिखनी होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलें देखते हैं कि फ्लोरेट्स जो हैं इनका अपना वेट कितना है, क्योंकि इसमें आपको पता है स्टेम और पत्ते वगैरह भी होते हैं, वो हटा दें तो फिर कितना वेट होता है। एनीवेज यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा और इसके अंदर अब मैं बहुत भर के चम्मच जो है 2 टेबल स्पून के बराबर डालूंगी कॉर्नफ्लावर, और साथ में इसमें ऑयल डाल दिया है और रूम टेम्परेचर पानी है ये, और ये डाल के हमने थिक सी पेस्ट बना लेनी है। तो मैं चूंकि ये कॉलीफ्लावर जो है ये अवन में बेक करूंगी, सो इस वजह से मैं ज़्यादा थिक सी पेस्ट बना रही हूँ। आपने क्या करना है, बाय द वे ये नमक और गार्लिक पाउडर भी मैंने डाला है, आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखें थिक सी पेस्ट है और इसको मैं अच्छी तरह से ना कोट कर दूंगी गोभी पे। अवन मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया था 180 डिग्रीज पे, अपर लोअर दोनों रॉड्स पे। आपने क्या करना है कि अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो इसमें मैदा भी आप डालेंगे, तो इसकी पेस्ट बना के तो आप इसमें गोभी कोट करके, जैसे आप नॉर्मल कोई भी पकौड़े वगैरह कोट करके डालते हैं, तो उसे आप फ्राई कर लें। बेबी अगर मैं इसको हाथ ना लगाना, हाँ पेट की बेबी मैं ऐसे करता हूँ, हाँ टच ना करना जी जी बेबी। यह क्या है इसमें? सुबह सुबह कारनामा कर दिए, गिरा दिए मैंने ये सारा, वो तो शुक्र है शराब घर पे थे, वरना ये सारे बाहर, पता ही मैं लिप खोलती ना तो ये सारा बाहर गिरना था। लेकिन मैं भी फिर पाव पेट्रोल बन के आके सेव कर दिए। कभी कभी नहीं भी किया मैंने भी एक्सरसाइज करके, शावर लेके चेंज करके, तो मैं किचन में आ गई, कुकिंग करना शुरू हो गई। शराद जो है वो जिम करके आए हैं बच्चों को छोड़ के, अब शराद नाश्ता करने में, फिर ये भी फटाफट शावर लेंगे, रेडी होके चले जाएंगे ऑफिस। तो मैं कही थी कि अब सुबह सुबह उठ के ना सुपरसोनिक बने हुए, एक ही दफा हमने क्रैश लैंडिंग होनी है हमारी, तो वो स्टार्ट हो गई है, वीकेंड तक क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बॉडी माफिया मांग रही होती है। नाश्ते में ना ठंडा ठंडा खाने का भी आजकल दिल करता है, क्योंकि समर है, तो ये हनी ड्यू मेलन था ये खा रहे थे, साथ में बॉयल्ड एग्स हैं और चाय है। डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि फिर साथ साथ ही एडिटिंग भी करूँ जो ही टाइम मिले बीच में। तो ब्रेकफास्ट के बाद शदाद चले जाएंगे रेडी होने के लिए और मैं वापस कुकिंग की तरफ आ गई। तो ये सॉरी मैंने 180 बोला था, 200 डिग्रीज पे 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया दोनों रॉड्स पे। उतनी देर में दूसरा बैच रखती है और यहाँ पे हम सॉस बना लेंगे कॉलीफ्लावर के लिए। पानी लिया, उसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और ये ऑयल है, इसके अलावा इसमें जाएगी केचप और सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, वही जो टिपिकल चीजें होती हैं जो हम डाला करते हैं चाइनीज रेसिपीज में, बस उनकी क्वांटिटी और रेशो वगैरह डिफरेंट होती है जिससे टेस्ट डिफरेंट बनता है। इसके अंदर ये अभी सोया सॉस डाली है मैंने और अब इसके अंदर लास्ट में हनी जा रही है, अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हनी होगी तो आप 1 टेबलस्पून शुगर डाल लें, फॉर सम रीजन शुगर जो है वो ज़्यादा मीठी लगती है मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से शुगर। इसके अंदर चिली सॉस भी डाल दिया, बस इसे मैंने मिक्स करके रख लिया। दूसरी तरफ राइस बॉयल होने के लिए रख दूंगी, साथ में ये जो वेजिटेबल्स फ्रीज करके रखी हुई थी प्लस जो फ्रोजन पैकेट है उनको मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं और साथ में बेल पेपर्स हैं वो डाल दिए, और सॉल्ट मैं नहीं डालूंगी, इसको बॉयल होने रख दूंगी। और जो बेल पेपर्स थे उनका वाला ये जो बैग है इसको भी वॉश कर लूंगी, ये वैसे तो डिस्पोजेबल बैग्स हैं लेकिन जब रिपीटेडली यूज करने हो तो फिर बेहतर ये होता है इन्हीं को मैं वॉश करके यूज कर लेती हूँ।
अब आते हैं बहुत ही मजे की चीज की तरफ। मैं बना रही हूँ चिकन के लिए कोटिंग, या आप किसी भी किस्म की रेसिपी के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने मैदा लिया है, इसमें नमक डाला है और ये है गार्लिक पाउडर, ठीक है। उसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर है, ये भी आप जब जब देखते जाएंगे ना आपको मजा आता जाएगा। स्टार्ट में आपने थोड़ा सा तो आइडिया लगा लिया होगा। इसमें अब ये पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ मैं, इसको हम करेंगे मिक्स। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स दूसरी वाली कोटिंग में आएंगे। ये कोटिंग नंबर वन थी, ठीक है। कोटिंग नंबर टू में हमने अंडे लिए और उसमें थोड़ा सा पानी रूम टेम्परेचर पर डाला है ताकि ये जो हम एग वॉश बनाएंगे थोड़ा सा थिन हो जाए। अब फाइनल कोटिंग है कोटिंग नंबर थ्री। इसके लिए मैंने लिए कॉर्नफ्लेक्स और इनके मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया, कोर्स सा क्रश किया, बहुत फाइन क्रश नहीं करना। और इसके अंदर मैंने डाल दिए ब्रेड क्रम्स, साथ में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप अपनी मर्जी से डालेंगे। इसके अंदर अब जा रहा है ओरेगानो और साथ में पार्सले है ड्राइड और ये है रोजमेरी। ये वो वाली हर्ब्स हैं जो जो हैं आपके पास डालने नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ओरेगानो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें पूरा मैंने कप भर के ना चॉप्ड कोरिएंडर फ्रेश वाला ये डाला है और इसको मिक्स कर लें तो ये देखें हमारी टॉप कोटिंग है। जस्ट इमेजिन के कैसी लुक आएगी और कैसा टेस्ट आएगा। कल शहजाद कह रहे थे ना कि दोबारा से ब्राउनीज बनाओ, अब देखती हूँ कितनी खाते हैं। मैं लिटरली आज बना रही हूँ दोबारा से ना, टाइम तो कोई नहीं लगता और वो मुझे पता है ना कि उनका दिल भी चाह रहा था, तो वैसे तो तंग कर ही होती हूँ। जाहिर है हस्बैंड को फरमाइश करें और हम पूरी ना करें तो क्या फायदा। तो बहरहाल वो जो है ना, मैंने सोचा कि चलो ये काम भी कर लेते हैं। ये मैंने बटर, कोको पाउडर, पानी डाल दिया है, इसको हल्के फ्लेम पे बस हमने मेल्ट करना है, बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। मेल्ट हो जाएगा तो साइड पे कर देंगे इसको, बस हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे क्योंकि नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है मेल्ट होते होते। दूसरी तरफ अब मैंने गाने लगाए हुए थे, गाने सुन रही थी और साथ साथ में मैं बना रही थी ब्राउनीज। शहजाद ऑफिस के लिए निकल चुके थे और जनाब आगे क्या सीन हुआ कि शहजाद एकदम वापस आकर मैं इतनी डर गई कि हमारे घर में कौन घुसा है। इतना आसान नहीं है, आसान क्या इम्पॉसिबल है, यहाँ पे तो दरवाजे भी खुले हों तो कोई अंदर नहीं आता। तो बहरहाल ये भी आप देखें जरा, ये एक है रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो चलें वीडियो के आगे चलते हैं। देखिए मेरे दरवाजे पे आवाज कैसी है, क्या हाल है, मैं जाना वापस कैसे आ रहा क्या रहे मैं कॉल्स कर रहा था ऑफिस से, किसी ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। नहीं पहले गाने लगे हुए थे तो मैंने देखा म्यूट पे था, तो भी देखे मैंने वो म्यूट, मतलब वो उसका वाइब्रेशन खत्म किया है। मैंने इनको कॉल बैक किया ना, नेम टाइम मैंने लगा, मुझे लगा मीटिंग में होंगे या कोई इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो बस मैं फिर अपने काम में लगी हुई थी। एकदम मुझे दरवाजे की आवाज़ आई, मैं तो जान निकल गई, मैंने कहा मेरे दरवाजे पे कौन, किसने खोला है बकायदा, कौन, जल्दी से मैं सॉन्ग बंद करके भागी हूँ। बल्कि इसमें तो सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई है, सारा जो है वो क्या नाम है, लैपटॉप शैपटॉप रख के आ रहा हूँ ऑफिस में, आया वापस फोन लेने के लिए, फोन भूल गया। तौबा ये हाल है आपका, अच्छा इसीलिए कॉल नहीं मिल रही है। यार मुझे नहीं पता आज सुबह आज मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह मैंने अंडा खाया भी, मैं भूल गया कि मैंने अंडा खाया भी था कि नहीं। और अभी जो है मैं और आप और मैं चीजें गिराती फिर मैं और आप जो सुपरसोनिक बने हुए ना, हमारी क्रैश लैंडिंग होने वाली है शो के वापस आऊंगा, पता नहीं कहीं और ना घर में पार्किंग कर दो किसी और को समझ के अपनी वाइफ चले गए ना उधर, तो देखे जरा देखे जरा, घर आऊंगा घर आके बोलूंगा कौन हाँ जी कौन, और फिर उसके बाद कहीं और चले किराए ले ले चले ठीक है। ये तो हाल है, मैं सब की मीटिंग में है तो वाह, मैं बहुत डर गई थी, मेरे को पता नहीं कौन आ गया, हालांकि ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है इस कंट्री में। तो आज तो मैं तीन रेसिपीज बना रही हूँ, एक तो मैं बना रही हूँ आपके लिए चाइनीज कॉलीफ्लावर, और दूसरा मैं बना रही हूँ ये ब्राउनीज, और तीसरा वो जो चिकन है वो बना रही हूँ। चिकन भी मैं मॉर्निंग में ही बना के रख लूँगी। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बना के सर्व किया जाए, लेकिन मेरा आपको पता है मेरी फैमिली ईजी गोइंग है, और दूसरी बात ये कि मुझे अपना जो है ना पूरा दिन अपने बच्चों के लिए अपने आप के लिए भी टाइम निकालना होता है। सो ये वाला टाइम ना बड़ा बेस्ट होता है कि सारे खाने पकाने करके ना फारिग हो जाए और उसके बाद बाकी यू हैव ऑल द डे टू योर सेल्फ लिटरली, और बच्चों को पढ़ाना है चाहे बच्चों को टाइम देना आप वो कर सकते हैं। ट्राई जरूर करें आप भी फजर के बाद खाने बना के देखें। तो बहरहाल इसको मैं ना पहले मैंने इसको मैदे में कोट किया, फिर एग वॉश में कोट किया, और अब इसके ऊपर फाइनली मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स वाली कोटिंग लगा दी। देखें कितनी अच्छी कोटिंग है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे दोनों साइड से। फ्लेम ज्यादा तेज किया तो ये ब्राउन हो जाएगा, फिर इसका ना जो कोटिंग है उसका कलर नजर नहीं आएगा। सो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको बहुत ज्यादा ब्राउन ना करें।
आइडियली होना ये चाहिए कि अभी तो ये क्रंची है लेकिन रात में जिस वक्त मैं सर्व करूंगी उस वक्त तो ये सॉफ्ट और सॉगी होगी होगी, तो उसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अच्छा जी, ये मैंने बेक करके फ्राई करके रख लिए थे और आ गई थी मैं थोड़ी अपनी एडिटिंग करने के लिए। इस टाइम को मैं अपना मैक्सिमम यूज करती हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बाकी सारा टाइम वीडियो नहीं बनाई, अपनी एडिटिंग वगैरह की और जो काम छोटे मोटे अपने करने वाले थे वो किए, और बाद में जब मिशारी और फिर उसके बाद तिहामी आ गया तो खाना वगैरह इन लोगों ने खा लिया, तो मैंने सोचा कि चलें जी अब कैमरा पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो खैर मैंने अपने लिए बनाई ये जो क्या कहते हैं टी, हर्बल टी, और साथ में ब्राउनीज, चूंकि ज़ाहिर बन चुकी हुई थी तो तिहामी कैसे छोड़ता। तिहामी माशाल्लाह से 2 पीस तिहामी ने अपने लिए लिए और 1 पीस मैंने अपने लिए। तिहामी 3:30 आता है और अब तो उसके पेपर शुरू हो गए हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो फिर अब जल्दी आया करेगा। पहले हमने खाई ब्राउनीज क्योंकि ये आफ्टरनून थी, तकरीबन 5 बजे थे, तो तिहामी ने कहा पहले खा लेता हूँ फिर पढ़ लेते हैं, और तिहामी की पढ़ाई होती है कभी यहाँ लेट रहा होता है कभी वहाँ लेट रहा होता है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं मना करती। जब मुझे लगे ना बिल्कुल लेजी होना शुरू हो गया तो उस वक्त मैं इसे उठा के बिठा देती हूँ, अदरवाइज मैं कहती हूँ चलो आप लेट लो साथ साथ पढ़ लो। तकरीबन 6 बजे तक जो है ना हमने पढ़ा था और बस उसके बाद मैक्सिमम आधा घंटा और पढ़ना था। शहजाद आ गए तो शहजाद ने क्या किया कि कपड़े के जो धुले हुए पड़े हुए थे इनको फोल्ड कर दिया, और मिशारी को भी अब हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके डायग्राफ वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो हमें लगता है कि घर में हमें भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए, सारी ड्यूटी टीचर के ऊपर नहीं डाल देनी चाहिए। तो कभी मैं और कभी शहजाद जो है वो मिशारी को भी पढ़ा देते हैं, तो शहजाद ने सारे कपड़े कबर्ड में रखे और उसके बाद फिर मिशी को थोड़ा सा पढ़ा दिया। मिशारी को अपने बाबा से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वो है जो वीकली सिलेबस घर आ जाता है कि क्या पढ़ना है उन्होंने, तो वो ही शहजाद इसको निकाल के पिछले वीक का तो रिवाइज करा देते हैं, कभी करंट वीक का पढ़ा लेते हैं, और मैं तो कम ही आजकल पढ़ा रही हूँ, मैं तिहामी के ऊपर फोकस कर रही हूँ। खैर तिहामी की स्टडीज़ भी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैंने फिर जाना था किचन में क्योंकि एक लास्ट काम रह गया था। आपने देखा था कि ये मैंने मिक्स कर लिए थे सारी चीज़ें जो मैंने सॉस बनाई थी कॉलीफ्लावर के लिए, तो लेकिन इसको मैंने पकाया नहीं था क्योंकि वाली जो चीजें हैं ना वो तो कुछ भी हो जाए लास्ट में ही करनी पड़ती हैं। सो बस फटाफट से ये 5-6 मिनट में ये सॉस जो है ये रेडी हो गई थी, इसको मैंने कुक किया हल्के फ्लेम पे, जब ये अच्छी तरह से थिक हो गई कॉर्नफ्लावर की वजह से तो मैंने इसके अंदर ये कॉलीफ्लावर जो है ये डाल दी थी। ये मैंने सुबह बेक की थी और इनको मैंने अनकवर्ड रखा था ताकि ये सॉगी ना हो जाए, तो बस इनके ऊपर मैंने अच्छे से कोट कर दिया और साथ ही सेसमी सीड्स डाल दिए, थोड़े से तिल और साथ में ये क्या कहते हैं इसको ग्रीन अनियन स्प्रिंग अनियंस, तो बस ये देखिए माशाल्लाह बहुत मजे की बनती है, ट्राई कीजिएगा। ये मैंने अभी जो है ना 5 मिनट के लिए दोबारा हाईएस्ट टेम्परेचर पे रखती हैं, तो ये कितने अच्छे से ये जल्दी से बेक हो गए दोबारा से और क्रंची हो गई हैं फिर से। सो ये भी इजी वे है, अगर आपके पास टाइम कम है ना शाम में तो आप इसका कर सकें, देखिए कितनी अच्छी क्रंची हो गई है। देखा क्रंची है ना, हालांकि मैंने सुबह इसको बनाया था। सबसे क्या आपने सही क्रंच का मैसेकर किया हुआ है आपको यार। उफ माशाल्लाह इतने यमी यमी बनते हैं, और ये देखें कितने जूसी और सक्यूलेंट हैं। इनको आपने फ्रिज में रख देना है बगैर कवर किए, अगर आप सुबह सुबह बना रहे हैं और फिर उसके बाद इसको अवन में रख देंगे और अपर लोअर रॉड पे, और फटाफट से गर्म हो जाएंगे दोबारा से क्रंची हो जाएगा, अगर माइक्रोवेव में करेंगे तो फिर सॉफ्ट और सॉगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिहामी सीक्रेट सॉस, और इसमें मैंने मेयो डाली है, केचप डाली है, मस्टर्ड पेस्ट डाला है और साथ में चिली सॉस डाली है। इसको ये सीक्रेट सॉस तो नहीं है, हर घर में ही बनती है ऑलमोस्ट, लेकिन मम्मी ने जब पहली बार ये मेरे हाथ की खाई थी बड़ा खुश हुआ था, मम्मा ये तो कोई सीक्रेट सॉस है, ये तो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स जैसी लगती है, तो बस इस तब से इसका नाम यही है। तो ये देखें जी, ये है हमारे चिकन की फाइनल लुक, कितना मज़े का लग रहा है, देखा आपने। और चूंकि हल्के फ्लेम पे किया तो धनिया भी ब्लैक नहीं हुआ, ग्रीन ग्रीन है, और ये हमारा है चाइनीज सेसमी कॉलीफ्लावर।
ये कुछ कुछ मंचूरियन से मिलता है, लेकिन उसमें आपको पता है कोटिंग करके फ्राई करना होता है, तो ऐसी समझ लें बेक्ड वर्जन कह लें। ये चीटा मेरी प्लेट से सारी पीस खा गया। हाँ जी हाँ जी, चीटा थीफ, यू स्टोल पीस फ्रॉम माय प्लेट, व्हाई व्हाई बाबा, somebody is attacking your plate. Hey you, somebody is stealing peas from your plate, Baba. I have a nasty plate, and mommy's a nasty mama's plate. I give one pea to Baba, I steal the rest of this, and I give one pea to Baba. Aww. ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, मुझे इसका याद आया कि मैं आपको बताऊं कि ये इसका ट्रांसफर सेक्शन, मुझे बायोलॉजी याद आ गई है। एनीवेज ये बहुत मजे के हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, आए आप भी हमें ज्वाइन करें। इससे ज्यादा मजा आ गया। बहुत जूसी भी है ये और क्रंची भी है। बच्चे ने अटैक किया विश्वास, इसके सॉस के साथ खा के। गुड्डू साथ छा के आ गया। गुड्डू गुड्डू नहीं, गुड्डू गुड्डू नहीं, नहीं, नहीं। मजा करा दिया यार, चिकन जो है ना, थैंक यू, मजे का है चिकन। अदर हैंड आल्सो जबरदस्त, ब्लेस दीस टू हैंड्स, दे हैव मेड अमेजिंग अमेजिंग मैजिक विद दिस चिकन यार। आप लोग जब इतनी तारीफ करते हैं ना, तब मेरा और दिल जाता है कुकिंग करने का, मुझे इतना मजा आता है ना, मेरी सारी हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाती है। बेबी कसम से, क्या क्रंच, क्रिस्पी किस्म का क्रंच है ना। और शिलाज मजे की बात यह है कि सुबह सुबह ही मैंने ये बना के, लिटरली मैंने ये बनाए थे और मैंने ये फ्रिज में रख दिए थे, सिर्फ मैंने इनको कवर नहीं किया कि ताकि पानी ना छोड़ दे, तो मैंने इनको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया, पहले रूम टेम्परेचर पे आने दिया, फिर एज इट इज ओपन इनको फ्रिज में रखा है। उसके बाद जब मैंने सर्व करना था तो उस वक्त मैंने फटाफट इसको ओवन में डाला है 3-4-5 मिनट के लिए, 220 डिग्रीज पे मैंने इसको, ताकि मैक्सिमम जल्दी से हीट अप हो जाए, और उसे सिजलिंग हो रही थी इसके अंदर, मैंने निकाला है इसको अवन के अंदर से। बस सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक एक दो दो दिन पहले बना के इसको फ्राई करके रख लें और फिर गेस्ट आए तो आप सर्व करें, चिकन फौरन ड्राई भी हो जाता है। सो जिस दिन आपने सर्व करना उस दिन मॉर्निंग में बना के आप शाम में सर्व कर लें, सक्यूलेंट और जूसी होगा, मजा आ जाएगा। इतना परफेक्ट है यार ये, मेरे लिए क्या से। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से सुधर गए हैं शहजाद, क्योंकि अपने लिए ऑफिस के लिए लेके जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो छोटा बॉक्स है, मैं बड़ा कंटेनर लेके जा रहा हूँ। क्योंकि ये बनते ही इसमें से एक पीस मैंने तो खाया, लेकिन माशाल्लाह तिहामी ने 2 पीस खाए, वो 2 से नीचे लेता नहीं उसको, माशाल्लाह इतनी पसंद है, तो इनको भी मिलती नहीं है। चैलेंज एक्सेप्टेड। आपने वैसे कल कहा था कि आप फौरन खाएंगे, इसमें आ जाएंगे शायद 4 पीस नीचे सारे। बर्तन आज मैंने नहीं धोया है, मैं बहुत थक गई हूँ, और इस वक्त ना टाइम हो रहा है 9:16, मैं सो जाऊँ क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है, 4:50 का मैंने अलार्म लगाया होता है। सारी अकल आ गई है शहजाद को। तिहामी को कल जो है ना वो देख के शौक लगना कि है, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। बाकी इसमें डाल दें फिर। क्रम्स भी उठा रहे हैं। इसको मैं ट्रैश करूँ और बस ये सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजते ही सबसे पहला काम ये कि ये मुझे वॉश करने होंगे बर्तन।